इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिया हूँ। तो आज मैं बता दूँ कि मैं आया हूँ बहन को साइकिल सिखाने के लिए, मम्मी के साथ में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मम्मी साइकिल चला रही हैं, ये देखिए। एक सेकेंड में भी सीट पर बैठ जाऊँ साइकिल पे। बट 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 कुछ नहीं होता। बट बट और हैंडल पे ध्यान देना, इधर उधर देखने नहीं, सिर्फ हैंडल। हैंडल पे ये देखिए चल दी है, पगली है। गोपाल काला जचन टीवी ताला मिळाला। इसको सेवनी देना। तो गाइस ये देखिए आज बनाने जा रहे हैं बेसन भात, मैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए कढ़ाई रख दी है तेल गर्म होने के लिए, टमाटर काट दिया, मिर्ची रहा बेसन, और ये देखिए चावल है, और ये रहा सांभर, ये रहा छोले का पैकेट। भगवान की पूजा हो चुकी है, और तो और आज शाम को है भंडारा, उसकी वीडियो आपको फुल दिखाएंगे। भंडारा आज शाम को, उसकी फुल वीडियो दिखाएंगे आपको, लेकिन ये वाले वीडियो में नहीं अपलोड करेंगे, वो दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। वो वीडियो ब्लॉग वीडियो अपलोड होगी कल, ये फिलहाल आज के लिए है। और तो और हम क्या बोलने वाला था, मम्मी क्या बोलने वाली थी? कुछ नहीं, बनाने जा रहे हैं बेसन। अच्छा हाँ, ये देखिए बन रहा है बेसन। जीरा गया, ये डाल दिया जीरा, वो है चावल, कौन सी पत्ती है, मिर्च नहीं पत्ती। यही बात अपने इधर यूपी में कड़ी पत्ता बोलते हैं। आज हमारा सादा सिंपल यही खाना रहेगा, बेसन भात। हाँ, महाराष्ट्र का फेमस। फिर कैसा है बादाम पूरा भंडारा। हाँ, तभी सादा सिंपल कुछ बना ले रहे हैं, और भंडारे में आपको फुल वीडियो दिखाएंगे। हाँ, भी दिखाएंगे क्या क्या बना है क्या क्या नहीं। अभी कैसा है भंडारा का महाप्रसाद बोलते हैं, महाप्रसाद। और ये तो और ये देखिए, और ये इसको सादा सिंपल बनाते हैं। और वैसे भी मसाले रखे हुए, क्या बोलते हैं लोग इसमें महाराष्ट्र में, तो प्याज
और लहसुन अदरक का पेस्ट सब डाल देते हैं, लेकिन अपन लोग पैर को ठीक करेंगे क्योंकि अपने पैर नहीं चलता। रुक, ये देखिएगा इस बेसन डाल दिया है, बर्तन में निकाल लिया बेसन। बेसन का ही बनाते हैं यूपी में, इसको लपटा बोलते हैं यहाँ पे। बेसन हाँ उधर यही वाला है समझो, बनता ही। अब एकदम उसके ऊपर मत डाल। अच्छा घोल लेंगे, डाल दिया पानी, उसका घोल बना लेंगे पतला। बेसन को मिला रहे हैं, इसमें कुछ नहीं डालना, जो भी डालना है उसमें डाल दिए तड़के में ना। हाँ उसको सिर्फ मिलाएंगे, घुमाना है क्या? हाँ इसको पहले इसके जो गुलठी है इसको निकाल देंगे। गुलठी मतलब? अरे जो गांठी पड़ी रहा था, मतलब बेसन थोड़ा सा उभरा था। ये देखिए डाल दिए हैं, और पानी डालेंगे? हाँ थोड़ा सा पानी और, मतलब एकदम पतला करना है। हाँ पतला रहता ना ये। अच्छा और तो ये हम भाई थोड़ा सा यूपी वाले हैं तो थोड़ी भाषा में आ ही जाता यूपी का बोलचाल, और हमको कोई शर्म नहीं है क्योंकि हमारी मातृभाषा है वो। हम यूपी वाले उसी से जाने जाते हैं और हमको अच्छी भी लगती है। आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी तो आप बताना कमेंट करके, हम बोलेंगे वैसे ही। अभी लाल तो आज आप कमेंट कीजिए कि बेसन भात कैसा लगा, और आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। कुछ नहीं है, हल्का फुल्का खाना है तो ये सबसे बेस्ट। ये देखिए मसाला हो गया, अब इसमें डालेंगे पानी। पहले हम पानी जब उबलने लगेगा, रुको पानी डाल, पहले इसको चलाएंगे ना, नीचे मसाला चिपट रहा है, जल जाएगा, चिपट रहा है। अब डाल देंगे इसमें पानी, मसाला नीचे लग गया है ना थोड़ा सा। ये आ गया पानी, पानी डल रहा है, इसमें उबाल आएगी ना, उबल जाएगा तब इसमें डालेंगे ये बेसन। ये अब डाल देंगे इसमें नमक। नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि टमाटर हमारे थोड़े से कच्चे हैं तो गल जाएंगे। अच्छा गलाने के लिए? हाँ नमक डालने से जल्दी पक जाता है, और जिस जिसको खाना है आ सकता है। और तो और भंडारे में भी अगर आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगी। और क्या दिखाओ? अभी बनाने तो दो पहले। ये अमचूर डालेंगे, नींबू रहता है ना तो नींबू डालते, लेकिन नींबू हमारे पास में आज ख़त्म है तो हफ्ते के लिए अमचूर डालेंगे थोड़ा सा। अमचूर पाउडर वैसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। नहीं नींबू से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये गया अमचूर पाउडर, और तो और इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर। अच्छा हल्दी पाउडर बस, और कुछ नहीं डालना मसाले में, बस इतना थोड़ा सा। अब इसको मिलाएंगे अच्छे से, फिर बता रहे हैं। ये देखिए हो गया, मिक्स कर दिया। अभी गल गए हैं टमाटर, लेकिन उतने गले नहीं हैं टमाटर। चावल को धीमी आंच पर करते हैं। ये देखो अभी पकने के हैं टमाटर, तो चावल धीमी आंच। अब इसमें क्या डालेंगे? अब इसमें पानी डालेंगे, लेकिन अभी पकने दो पहले उसको। ये देखिए उबाल आ चुका है बेसन में, अब क्या करेंगे इस पर? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर पकाएंगे और उसमें धनिया पत्ती डाल के बस फिर खाओ। चावल हो गए, ये देखो। देखिए चावल हो चुके हैं। चावल का नाम कौन सा है? क्यों चावल? ये देखिए उबाल आ चुका है, अब इसमें डालेंगे बेसन। ये गया बेसन। अब इसको उबाल आने तक पकाएंगे। अच्छा बहुत जल्दी बनता है, 10 मिनट मुश्किल से बस। बेसन कैसे वैसे भी जल्दी गाढ़ा हो जाता। ये देखिए उबाल आ चुका है, अब इसमें डालेंगे बेसन। ये गया बेसन। अब इसको उबाल आने तक पकाएंगे। अच्छा बहुत जल्दी बनता है, 10 मिनट मुश्किल से बस। बेसन कैसे वैसे भी जल्दी गाढ़ा हो जाता। ये देखिए हमारा बेसन तैयार हो चुका है, वो भी लगाएंगे अपने भगवान को भोग। बेसन भात का ये देखिए भगवान को लग रहे हैं।
अब इसमें डालेंगे बेसन। हो गई पापा के घर तैयार।